नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश को दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु से जोड़ने की अनूठी पहल की गई है। दरअसल काशी तमिल संगम कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी तमिल धर्माचार्यों से मुलाकात करेंगे। वहीं सीएम योगी के साथ राज्यपाल नंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। काशी में इस विशेष कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि काशी में तमिलनाडु की संस्कृति की धूम चारों ओर दिखाई देने लगी है। तमिलनाडु के धर्मगुरुओं का जत्था पहुंचने लगा है। इस कार्यक्रम को पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर जगह जगह पर कई प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। यहां तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बनने वाले प्रोडक्ट भी लगाया गया है। 75 स्टॉल एमपी थिएटर ग्राउंड में लगाए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने की एक अनूठी पहल की जा रही है और बहुत खास भी होने वाला है, क्योंकि कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। जी बिल्कुल मयूरी, बहुत बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम है और बहुत अच्छी विचारधारा है, पटकथा बहुत अच्छी है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम राज्यों को एक करेंगे, उनकी आपसी संस्कृति को एक करेंगे, क्योंकि हमारा देश है और देश में अनेकता की विविधता भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर यह है कि आध्यात्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक अगर जुड़ाव होगा तो निश्चित रूप से वो बेहतर परिणाम सामने लाएगा। काशी तमिल संगमम यानी काशी की संस्कृति तमिल की संस्कृति के यहाँ महासंगम की शुरुआत की जा रही है। एक महीने का ये कार्यक्रम है और इस एक महीने के कार्यक्रम के तहत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश सरकार के, इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पाटिल उत्तर प्रदेश की, तमाम बड़े लोग इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। बड़े बड़े स्टॉल लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी सांस्कृतिक गतिविधियाँ यहाँ पर होंगी। तो यहाँ पर जो मेन जो मकसद है वो यहाँ पर मयूरी ये है कि जो हमारे राज्य हैं, राज्य की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो आध्यात्मिक पड़ाव हैं, जो तीर्थ हैं, उनको एक साथ करने, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को एक साथ करने, उनके बीच में जो कितना कि एक जो हमारी देश की जो संस्कृति है वो एक प्रकार समुद्र है, और समुद्र के बीच में दोनों समुद्रों को जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम एक राम सेतु की तरह काम करेंगे और दोनों की सांस्कृतिक आध्यात्मिक और सामाजिक विरासतों को एक साथ जोड़ने का प्रयास रहेगा। बीच में जो एक आदान प्रदान भी होगा, रणनीति भी होगी, और निश्चित रूप से आने वाले समय में व्यवहारिकता भी लाएगा और व्यापार के जो पथ है उसको भी प्रशस्त करेगा। बहुत अच्छी पहल यहाँ पर पर्यटन विभाग की मंजूरी हम देख रहे हैं। गौरव, काशी में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे और क्या कुछ अभी तक तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए, प्रारूप पहले बना लिया गया था और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, शास्त्रीय नृत्य होगा, गीत भी होंगे और तमाम तरह के सांस्कृतिक यहाँ पर प्रोग्राम कराए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम करें तो यहाँ पर स्टॉल भी लगे हैं जो काशी के प्रमुख उत्पाद है, उत्तर प्रदेश के ODOP उत्पाद के तहत तमाम तरह के स्टॉल यहाँ पर लगे हैं। तमिलनाडु के जो महत्वपूर्ण उत्पाद हैं, जो वहाँ की संस्कृति है, जो वहाँ का अच्छे अच्छे उत्पाद हैं, उनको भी यहाँ स्टॉल लगाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर दक्षिण भारतीय भोजनों के स्टॉल भी लगेंगे तो लोग चख सकेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर आपको दक्षिण भारतीय भोजन की खासियत, वहाँ के स्टॉल, वहाँ के लोग द्वारा, देखिए एक व्यवस्था होती है कि दक्षिण भारतीय भोजन को यहीं के लोग बनाए वो अलग व्यवस्था है, पर जो दक्षिण भारत के स्टॉल लगाए जाएंगे, दक्षिण भारत के लोग बनाए जाएंगे, जिनको उन भोजनों को बनाने में, उन व्यंजनों को बनाने में महारत हासिल है, और जब वो बनाएंगे और उनके स्टॉल लगेंगे, निश्चित रूप से एक अलग ही आनंद, एक अलग ही स्वाद की यहाँ पर अनुभूति यहाँ पर लोगों को होगी। पर्यटन की दृष्टि से बहुत बेहतर यहाँ पर कार्यक्रम है मयूरी, और आने वाले समय हो सकता है इस तरह के तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, आध्यात्म को आध्यात्मिक जोड़ने के लिए, आर्थिक रूप से सरल करने के लिए और सामाजिकता को बेहतर रूप से यहाँ पर मजबूत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम समय में होते रहने चाहिए और बहुत अच्छी यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की कहेंगे। गौरव, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की संस्कृति की झलक आज देखने को मिलेगी। वहीं बाहर से डेलीगेट्स आने की बात कही गई है, कितनी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं? देख, बड़ा कार्यक्रम है, तमिलनाडु के धर्माचार्य भी आएंगे। देखिए, काशी उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी है, आधार में नगरी होने का जिस तरह से वहाँ पर काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ है,
तो वो भी एक एक पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तमिलनाडु की जो महत्वपूर्ण धर्माचार्य आएंगे, जो वहाँ की संस्कृति है वो भी यहाँ पर आएंगे। डेलीगेट्स में तमाम लोग जो हमारे बाहर से जो हमारे यानी मेहमान हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है कार्यक्रम इतना बड़ा है कि प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और मयूरी, इस तरह के कार्यक्रम मैंने कहा होते रहना चाहिए। और रही डेलीगेशन की बात, तो तमाम तरह की गलती से आप पहुंचने वाले हैं। और ये कार्यक्रम में अभी मैं आपको बता दूं कि हुजूम, बड़ा हुजूम यहाँ होने वाला है। और हालांकि एक महीने का कार्यक्रम है, यहाँ लोग आते रहेंगे और यहाँ की तमिल और काशी की संस्कृति का यहाँ पर लुत्फ उठाएंगे, व्यंजनों के माध्यम से भी, संस्कृति के माध्यम से भी और अध्ययन के माध्यम से भी, और साथ ही साथ यहाँ के जो उत्पाद है उसके माध्यम से भी। सही कहा गौरव आपने कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और बड़े बड़े दिग्गज भी शामिल हो रहे हैं, तो वहाँ रूट डाइवर्जन में क्या कुछ बदलाव किया गया है? जी बिल्कुल, रूट डाइवर्जन यहाँ बदलाव किया गया है कि यहाँ पर आने में समस्या ना हो, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उनकी अलग व्यवस्था रहती है। और वहाँ पर कई VIP हैं, अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान भी वहाँ पर आ रहे हैं, इसके अलावा इलैयाराजा राज्यसभा सदस्य तमिलनाडु से, इसके अलावा आनंदीबेन पाटिल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो यहाँ पर 5 से 6 बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर हैं। तो इसी रूट डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है। हालांकि काशी कॉरिडोर के निर्माण के पहले भी बनारस में जिस तरह से बेहतर तरीके से रूट व्यवस्था की जा रही है और लगातार वहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि बनारस ये जनरली चीज़ नहीं है बल्कि एक केवल जिला नहीं, एक आदर्श नगरी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो पहले से बेहतर रहती है। और यहाँ पर निश्चित रूप से जब इतने बड़े बड़े VIP यहाँ पर आएंगे, बड़े बड़े लोग यहाँ पर नाम आएंगे, शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रूट की व्यवस्था है वो बेहतर की जा रही है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल और तमाम तरह के बल जो है लगाए गए हैं। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।